नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव और स्वागत है गौरव का ट्रैक पे एक और नए वीडियो के अंदर। जाम देख रहे हैं महिंद्रा एक्सयूवी 700 एमएक्स देख रहे हो आप। जिस सेगमेंट पे आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलती है 13-14 लाख पे आके, वहीं आपको 700 का बेस वेरिएंट मिल जाता है एमएक्स। ये 5 सीटर है, 7 सीटर भी इसमें मिल जाती है। व्हाइट कलर देख रहे हो आप, मोनोटोन में। अपर वेरियंट में जाओगे इसमें आपको पिलर वगैरह ब्लैक मिल जाता है। डुअल टोन तो इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी 14,47,200 कुछ इसके एक्सशोरूम प्राइस आते हैं। जो भी प्राइस रहेंगे मैं एक्यूरेट डिस्प्ले पे डाल दूंगा। बाकी गाड़ी देख सकते हो आप, एक अच्छा डायमेंशन मिल जाता है हमें। और अब तो यार अगर हम मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं तो हमें हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है इस सेगमेंट पे, जहां पे प्रॉपर एसयूवी मिल जाती है। ये डीजल वेरियंट है, इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। हम जो देख रहे हैं बेस वेरियंट, ये डीजल में। अब बात कर लेते हैं फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, क्या क्या अपडेशन मिल जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेन विंडशील्ड है, मैनुअल वाइपर मिलेंगे, रूफ रेल्स मिल जाते हैं इसमें, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है। महिंद्रा का लोगो, ग्रिल रेडिएटर ग्रिल जो है आपको ग्लोसी ब्लैक और इंसर्ट गार्निश ट्रीटमेंट इसमें देखने के लिए मिलेगा। लोअर मैट ब्लैक फिश में दी हुई है। डीआरएल वगैरह नहीं मिलते इसमें, यहाँ सी पास थ्रो मिल जाता है आपको। यहाँ नीचे आपका इस जगह पे इंडिकेटर दिए हुए हैं। डुअल बैरल हाइलोजन बेस हेडलैम्प यूनिट मिल जाती है इसमें, हमें डीआरएल वगैरह नहीं मिलते। ये डीआरएल में जहां आप गार्निश बीटिंग देख रहे हो, ये डीआरएल टाइप में दी हुई है। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो यहाँ स्टील रिम्स मिलते हैं। फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। व्हील कैप्स आप इसमें लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट लो या शोरूम से लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस की बात करूं तो 235-55-17 का टायर साइज मिल जाता है। क्लैडिंग मिलती है फेंडर्स पे, सराउंडिंग देखने के लिए सॉरी ORBM हमें ब्लैक मिलते हैं विद इंडिकेटर। एडजस्टमेंट बता देता हूँ मैं ORBM की, क्या एडजस्टमेंट रहने वाली है। ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। बाकी ए पिलर बॉडी कलर है, बी और सी ग्लोसी ब्लैक दिए हुए हैं। नीचे रनिंग बोर्ड पे भी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा और डोर्स पे नीचे भी आपको ब्लैक क्लैडिंग पार्ट देखने के लिए मिलेगा। क्वार्टर पैनल पे ग्लास मिल जाता है, ऊपर ब्लैक रूफ रेल्स हैं। यहाँ आ जाएंगे रियर प्रोफाइल पे तो यहाँ प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर दिया हुआ है, नॉर्मल एंटीना, महिंद्रा का लोगो, कुछ इस तरह से टेल लैंप्स मिल जाते हैं हमें, रियर टेल लैंप्स इसके हाइलोजन बेस दिए हुए हैं। एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि शायद आप लोगों में से कुछ भाई बोलेंगे कि ऑन क्यों किए हुए, तो ऑन कर दिए हैं मैंने। तो ये देख लो LED बेस टेल लैंप्स दिए हुए हैं, स्टॉप लैंप इसमें हाइलोजन बेस मिलेगा, बीच में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लैंप है, XUV 700 की बैजिंग, महिंद्रा का लोगो, टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, बम्पर का नीचे वाला पार्ट ब्लैक मिलेगा, स्पेयर व्हील भी इसका हमें नीचे मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड भी ये अनलॉक होगा। यहाँ पे DEF के लिए, एक डीजल वेरियंट है ये, और ये आपका डीजल के लिए, पेट्रोल होता है तो उसमें DEF के लिए हमें जगह नहीं मिलती। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो हमें किसी साइड नहीं मिलता। सेंटर लॉकिंग दिखा दूंगा अभी, ये तो एक्सटीरियर हो चुका है, चलते हैं इंटीरियर में। तो कुछ इस तरह की मिल जाती है फ्लिप की, दोनों कीज में हमें सेंटर लॉकिंग के बटन मिलेंगे लॉक और अनलॉक के लिए। बीच में आप इसे प्रेस करके रखेंगे बूट गेट अनलॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो मैं गाड़ी कर लेता हूँ अनलॉक, यहाँ पे आ जाते हैं बाहर। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ। डुअल टोन में इंटीरियर है, ब्लैक और बेज कलर में। यहाँ ट्विटर की जगह दी हुई है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडो है ये लॉक अनलॉक के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए, ORBM कंट्रोल यूनिट, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर की दिया हुआ है नीचे, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं हमें इसमें, वाटर बॉटल स्पेस। यहाँ आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल मिल जाता है, या आइडल ऑन ऑफ, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग है। ये हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, AC वेंट, चाबी लगा देते हैं, यहाँ चाबी की जगह पे आपको लाइट मिल जाती है। और चलते हैं अंदर। भाई अब आ चुका हूं मैं गाड़ी के अंदर, तो इंटीरियर देख लो गाड़ी का। पहले तो इसमें हमें विदाउट एनी रैप स्टीयरिंग मिल जाता है, फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक में स्टीयरिंग मिल जाता है, काफी अच्छा बोनट व्यू आ जाता है, डैशबोर्ड अच्छा मिल जाता है देखने के लिए। अब बात कर लेते हैं, पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें इसकी मिल जाती है। यहाँ पे स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ देख रहे हो आप फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है 3 स्पोक में,
यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये प्लेन स्पोक मिलेगा, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो। एयरबैग इसमें हमें सिर्फ दो मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर। ग्रिप वगैरह अच्छी मिल जाती है स्टेयरिंग पे। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल है और वाइपर के लिए, उसके लिए फॉग लैम्प के लिए यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए इस जगह पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बार इसका ऑन कर देता हूँ। बीच में MID मिलती है वैसे, जैसा मैं देखो गाड़ी खोल दी तो इस तरह से कुछ एनिमेशन आएंगे, और लॉक कर दूंगा जब डोर अंदर बैठ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पूरी गाड़ी स्कैन होती है। यहाँ पे XUV 700 चल के आती है। बाकी मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसमें हमें। बीच में MID दी हुई है, RPM एनालॉग में है, स्पीड मीटर एनालॉग में है, ऊपर टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, फ्यूल गेज टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर गेज वगैरह इसमें हमें मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे पूरी MID कुछ इस तरीके से, MID की सेटिंग यहाँ मिलेगी आपको। इस जगह पे बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे जैसे ड्राइव इन्फो आ जाएगी इसके अंदर, फ्यूल इन्फो देख सकते हैं आप, डिजिटल स्पीड वगैरह, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन भी देख सकते हैं आप, सेटिंग वगैरह, अलर्ट हिस्ट्री वगैरह सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है, बॉनट व्यू भी आप इसका देख सकते हैं। यहाँ आपको डिस्प्ले मिल जाती है, तकरीबन 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट ये USB के थ्रू कनेक्ट होता है। अपर वेरियंट में ये थोड़ा आपको ग्लोसी ब्लैक मिल जाता है, बट इसमें मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ दो AC वेंट्स दिए हुए हैं इस जगह पे, नीचे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, इको ऑन भी AC भी चला सकते हैं आप, नॉर्मल भी चला सकते हैं। यहाँ हजार लाइट के लिए, ये होम के लिए, यहाँ से आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो सीधा बाहर आ जाएगा। ये आपका स्क्रीन सेवर के लिए, हजार लाइट का बटन, सीट बेल्ट के लिए, ये एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए पैसेंजर साइड, और ये आपका वही ऑन ऑफ का ही बटन दिया हुआ। थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, अंदर भी जगह मिल जाती है। 6 गियर के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर है इसके अंदर, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर्स नहीं है, सिंगल 1 कप होल्डर है। यहाँ थोड़ी की वगैरह रखने की जगह आपको मिल जाती है, आर्मरेस्ट मिल जाता है अच्छी स्टोरेज के साथ, ग्लोव बॉक्स मिल जाता है कुछ इस तरह का, अच्छा स्पेस मिल जाता है ग्लोव बॉक्स में, ऊपर भी थोड़ी जगह वगैरह इसमें दी हुई है। कुछ डुअल टोन में, ट्रिपल टोन में इसका डैशबोर्ड है, बैच कलर भी है, ब्लैक भी, और यहाँ ग्लोसी ग्रे भी इसमें दिया हुआ है। ऊपर मैनुअल डिमिंग IRBMs है यहाँ पे, यहाँ रीडिंग लाइट मिल जाती है व्हाइट आपको। ड्राइवर को ड्राइवर साइड आपको वेंटीमीटर मिल जाएगा सन वाइजर में, इस साइड आपको खाली टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ माइक दिया हुआ है, पीछे रीडिंग लाइट है पैसेंजर सीट पे भी। बाकी यहाँ से फ्रंट देख सकते हैं आप। अब मैं SS मोड कर देता हूँ ऑफ और बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ पैसेंजर डोर जिस तरीके से ओपन करेंगे वह सेम है, पुश करके की खोलने, हैंडल बाहर निकालना होगा आपको, और इस तरीके से डोर खुल जाएगा। यहाँ बैच कलर का ट्रीटमेंट है, ये डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं इसमें हमें। यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस, पीछे 2 एड ऑन हेडरेस्ट, एक बीच में थर्ड एड ऑन हेडरेस्ट है, बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 2 AC वेंट दिए हुए हैं पैसेंजर सीट्स पे भी। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, लाइट मिल जाती है ऊपर, पीछे आपका ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है हमें बूट स्पेस खोलने के लिए। कुछ इस तरह से 400 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। कप होल्डर्स हैं पीछे, इन्फुलेटर के लिए 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है, स्पीकर की जगह यहाँ भी दी हुई है, दोनों तरफ कप होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ आपका टूल्स वगैरह के, ये अच्छा फ्यूल जो कैप है उसे खोलने के लिए यहाँ भी बटन इन्होंने दिया हुआ है। ये थोड़ा स्पेयर व्हील वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, थोड़ा स्पेस यहाँ मिल जाता है, ये टूल्स हैं, स्पेयर व्हील बोल गया मैं, यहाँ टूल्स मिल जाएंगे स्पेयर व्हील्स के, थोड़ा यहाँ सीक्रेट स्पेस मिल जाता है, बाकी काफी बड़ा स्पेस है। और नीचे यहाँ आपको स्पेयर व्हील इसका इस जगह पे मिल जाता है। तो भाई ये था आपका महिंद्रा XUV 700 बेस वेरियंट डीजल का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन स्पेसिफिकेशन बता दू, 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है इसमें, जो कि पावर की बात करूं तो 186 BHP और टॉर्क 305 Nm का जनरेट करता है, तकरीबन 350 है या 305 है, जो करेक्शन होगी मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा, बट 300 प्लस है ये कंफर्म है, 350 ये शायद टॉर्क इसका। बाकी गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसी आपको गाड़ी लगती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।